साथ में देखते हैं पूरा ब्लैक का इस बड़ा हुआ है और यहाँ पे स्की करने का मोटा मजा आएगा। पर क्या गए हमारे पास जो स्की अवेलेबल नहीं है। आज का आनंद लेते हुए हम शिशु दोस्तों गुड मॉर्निंग आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है सिसु में और हम आए हैं सिसु में घूमने को। मेरे पीछे देख सकते हैं लेक है, सिसु लेक जो कि बहुत ज्यादा जम चुका है और यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग भी कर सकते हैं पर अभी कर नहीं रहे। और मेरे सामने एक और यहाँ पे जम चुका पानी है, वहाँ पे भी काफी बढ़िया आइस स्केटिंग हो सकता है। तो चलिए घूमते थोड़ा मस्ती करते हैं। मेरे दोस्त वहाँ बैठा हुआ है, कब से बुला रहा है पता नहीं, क्या कर रहा हूँ पानी के ऊपर, देखता हूँ क्या कर रहा है। मुझे लगता है पक्का वो मेरे को उसके ऊपर खेलने के लिए बुला रहा होगा। वो देखो आप कैसे बंदरों की तरह हरकत है उसकी। ये देखिए मिस्टर आंशुल बंदर देखो यहाँ पे। हाल देखो। और यहाँ पे एक फैमिली स्नो पे मस्ती कर रहे हैं। ये भोलेनाथ बन रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये लोग भोलेनाथ जी बना रहे हैं यहाँ पे। करो अंकल बना रहे हैं। हेलो 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 हेलो। ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से भोलेनाथ जी को बनाया जा रहा है। मैम आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा तो हमारे यहाँ के लाहौल के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत लगी आप लोग, क्या आप लोग पवन धूम में रहते हैं। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ये थैंक यू वेरी मच, आई थिंक वी लव ऑल द पीपल हियर। ओके हम दिल्ली से आए हैं, अच्छा हम पहाड़ों से ही हैं, उत्तराखंड से हैं। ओके ओके यहाँ बच्चों को बर्फ दिखाने लाए थे। ओके थैंक यू। जिपलाइन का काम चल रहा है यहाँ पे। भैया हमारे को बुला रहे हैं जिपलाइन के लिए, पर मैं खुद डरता हूँ तो जब मैं करूँगा तो समर में करूँगा, विंटर में बहुत ठंड लगता है मेरे को। तो दोस्तों देखो यहाँ पे लोग मैगी मुगी खा रहे हैं, चाय चू पी रहे हैं, बड़े मजे कर रहे हैं यहाँ पे। इनको काफ़ी टाइम बाद इन्होंने स्नो देखा है तो काफ़ी मस्ती हो रही है। आपको कुछ कहना चाहता हूँ, आपने कभी ये जिप लाइन एक्सपीरियंस किया हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, मुझे हाइक से बहुत डर लगता है। और अभी अगर समर्स में कभी मौका मिले तो जा पाएंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। ओहो तो सर आप कभी अगर मौका मिले तो? मैं जब... गया सर अभी थोड़े दिन पहले, जब यहाँ पे बाढ़ आई थी ना पार नहीं था तो यहाँ से गया। अच्छा ठीक ओके ओके दोस्तों घूमते घूमते थक गए, अब चाय की टपरी ढूंढ रहे हैं। चाय की टपरी मिल गई तो पी लेंगे थोड़ी चाय और उसका चलते हैं शासन को थोड़ा काम करते हैं उसका, उसका फिर चलते हैं घर को। आज का दिन जितना भी घूमना था हमने घूम लिया अभी लगभग 10-15 मिनट में, उसके बाद देखते हैं अभी थोड़ा घूमते हैं। और यहाँ से देखो दोस्तों नज़ारा सिसु हेलीपैड से कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिख रहा है अभी। यहाँ पे काफ़ी लोग बाहर से आए हैं मस्ती के लिए। हमारे तो बुरा हाल हो गया है, बस अभी चाय चुई पी गए फिर निकलते हैं वापसी केलोंग की ओर। और यहाँ पे काफी गेट टुगेदर हो रहा है, काफी चाय चू पिया जा रहा है। और पार्क देख सकते हैं सिसु वाटरफॉल काफी जम चुका है आजकल, काफी ठंड है, माइनस पे टेम्परेचर जा चुका, -20 टेम्परेचर जा चुका आजकल। यहाँ देखिए सिसु की लेडी यहाँ पे चाय बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में। तो मैगी भी जो भी यहाँ पे सिसु में आना चाहता है यहाँ पे हेलीपैड के पास यहाँ पे आ सकते हैं। अंजना फास्ट फूड में जरूर आए यहाँ पे, जब भी आएंगे हेलीपैड के पास में है। ये देखो बहुत ही लोग शरारती हैं, कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, कराई जा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और काफी टाइम से हम यहाँ घूम रहे हैं, लगभग आधे घंटे से ऊपर हो गया है, अब थोड़ा चलते हैं घर को, काफी लेट हो गया है। पीछे देख सकते हैं काफी लोग एक्टिविटी में लगे हैं, काफी
मस्ती कर रहे हैं बैठ के, और हम भी अब धीरे धीरे निकलते हैं। मेरे पीछे अंजुल दोस्तों, हमें भी आए यहाँ पे बोल वाले को, उसमें यहाँ पे काफी लोग बैठे हुए मस्त मजा कर रहे हैं। ये है यहाँ पे नर्सरी के, नर्सरी में ये लगा हुआ है। यहाँ पे काफी लोग स्कीइंग कर रहे हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग बस इतना ही। आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। टाटा एंड बाय बाय।